बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या रसूल अल्लाह। आज मोरखा 21 दिसंबर 2016 बरोज बुध जामा मस्जिद रहमतुल आलमीन लाहौर में तारीख लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदीन का हम इजलास मेरी सदारत में मुनक़द हुआ। इजलास में तारीक लब्बैक को कामयाब बनाने के लिए मुतफिका तौर पर फैसला किया गया है कि आज के बाद तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरपरस्त आला मैं हूँ, मेरे अलावा अब कोई तारीक का कोई बानी सरपरस्त या चेयरमैन नहीं होगा। मैं गाजी इस्लाम मलक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वालिद होने के नाते अपनी और अपने खानदान की जानब से ये बात वाजह कर रहा हूँ कि गाजी इस्लाम का सालाना उर्स शरीफ इंशाअल्लाह 1 मार्च 2017 को लियाकत बाग रावलपिंडी में मुनक़दा होगा और इसके तमाम तर अख्तियारात अलामा खादम हुसैन रिजवी के सुपुर्द हैं। जैसे कि 6 माह कबल भी ऐलान कर चुका हूं, मैं हमेशा के लिए तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की बेहतरी के लिए अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब को ये इख्तियार देता हूं कि वो इस अजीम काम को लेकर आगे चलें, क्योंकि गाजी इस्लाम ने ख्वाब में भी मुझे कहा कि तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का झंडा मैं अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब को दे आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकासद के लिए तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को कामयाब फरमाए, आमीन। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल।